80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं तो जीडीपी कहाँ जा रही है? 80 करोड़ लोगों को आप अपने आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं 5 किलो अनाज, तो 5 किलो अनाज किस देश, जिस देश में दिया जा रहा है उसकी जीडीपी आप इंटरनेशनल लेवल पर मिलाएंगे, और आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर पा रहे? जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना, रूबिका लियाकत एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है, वो इस पर न्याय कर सकती है कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है तो क्या वो जीडीपी इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है? हम इन लोग कभी नहीं मानेंगे कि इन्होंने आज मुसलमान को उस दोराहे पे लाके 70 स्थान में छोड़ दिया है। हम कहीं के नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान महफूज है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है। आज से पहले 70 सालों में कभी आईएस आईपीएस में 51 नहीं, सुनिए पूरी सच्चाई सुनिए आप सावर भाई, सच्चाई सुनिए आप, 51 मुसलमान कभी आईएस आईपीएस नहीं बना, 51 मुसलमान आईएस आईएस। ये बताइए मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? अरे आप कह रहे हैं मुद्दों पर आइए, मुद्दों की बात की तो मैडम, 51 आईएस आईपीएस आज से पहले बने थे कि नहीं? मैडम बने थे ना, क्यों नहीं? सबसे ज्यादा मैडम इनके 70 सालों में 51 लोगों ने नहीं बनाया। यदि 70 साल में अगर कांग्रेसियों ने, अगर 70 सालों में यदि कांग्रेस पार्टी ने अगर 70 सालों में इन कांग्रेसियों का विकास किया होता तो आज कांग्रेस के सारे नेता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? डर लगता है? हमें नहीं लगता डर, ये इनके सवाल का जवाब है। नेताओं को लगता है डर, जिन्होंने जितनी कमाईयां की हैं, अब जब उनकी फाइलें खुल रही हैं या उन्हें लग रहा है कि जो कांग्रेसी, कांग्रेस को इसमें आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि इसमें तो बीजेपी वाले भी कमाते हैं और कांग्रेसी भी कमाते हैं, लेकिन कांग्रेसियों को जिन्हें डर लगा, जिन्होंने 2 नंबरी की कमाईयां की, वो पाले बदल बदल के अपने आप को बचाने के लिए तो बीजेपी ने उनको लिया क्यों? लेना नहीं चाहिए था ना उनको। आप बैठे ना, मैं आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो सबके हित में है। हित में है? हाँ जी, सबके हित में है। भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी की दुश्मन है। देखो इसमें फिर मुसलमानों को डराया क्यों जाता है? मुसलमानों को मोदी के नाम से, बीजेपी के नाम से ये डराया, आम ये खरीदे हुए लोग होते हैं जो डराते हैं। तो मुसलमान डर क्यों जाता है या चिढ़ क्यों जाता है या वोट क्यों नहीं करता है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को मुसलमान सहयोग कर रहा है, मुसलमान बीजेपी के साथ है और है और रहेगा। आपको लग रहा है? जी। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। कितने साल के हो आप? मेरी 26 है जी। अच्छा, तो इस बार तो वोटर भी होंगे आप? हाँ, पिछली बार भी किया ही होगा आपने। तो क्या लगता है, मेरे शो का नाम है मोदी वतन मुसलमान, इसलिए क्योंकि मुसलमान और मोदी ये वो दो शब्द है जिनको लेकर अक्सर बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। बार बार मोदी ये कहते हैं कि मैं तो जिसके लिए मैं सड़क बना रहा हूं तो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, मैं राशन दे रहा हूं तो हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं पनप पाती, ऐसा है? ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा जो असल में घुसपैठी हैं, जो असल में घुसपैठी, जो इनको लग रहा है कि मोदी मतलब दोनों लोग के लिए काम नहीं कर रहा, ना हिंदू मुसलमान जो बांट रहे हैं आपस में, वो असल में घुसपैठी हैं। मोदी जी बिल्कुल बराबर से काम कर रहे हैं, जितने कांग्रेसी बैठे हैं इनके घर में भी लाडली लैंड पहनना की योजना पैसे जा रहे हैं, 1250 रुपए मोहन यादव जी बांट रहे हैं सबको, आधे ज्यादा कांग्रेसी मुसलमानों के यहाँ उसके पैसे जा रहे हैं। आपको बीजेपी से इतनी परेशानी है, मत लीजिए ना पैसे उसके। नहीं, पर नहीं देंगे तो आप भाईजान ये कहेंगे कि ये बांट के रखते हैं। हाँ? अगर नहीं देंगे तो फिर आप कहेंगे सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर नहीं देंगे तो आप खुद कहेंगे कि भैया सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो है हमारे लिए काफी सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, जन कल्याणकारी काफी सारी योजनाएं हैं। आप क्यों बता रहे हैं बीच में आकर? आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप रुके रहिए, मुझे बात करने दीजिए। आयुष्मान भारत योजना है जिससे गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का इलाज। आयुष्मान कार्ड किस किस के पास है यहाँ पर? हाँ, क्या ये फॉल्ट है? बेशक मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड लाया, लेकिन आधे से ज्यादा इलाज आदमी खुद करा लेता है, क्योंकि जांचों का पैसा जब देता है ना तो पता क्या करे? 50 लाख रुपया दे दे आयुष्मान कार्ड का। 5 लाख का नाम है दे? मैडम पहली फर्स्ट जांच के तौर पर आयुष्मान काम आना चाहिए, क्यों नहीं आता? आयुष्मान कार्ड का जब पूरी जांच हो जाती। भाई एक सेकंड, आपने कहा कि मुझे चावल चाहिए, सरकार ने चावल दे दिया। आपने कहा मुझे इसके साथ दाल चाहिए,
तो सरकार ने दाल दे दी। आपने कहा मुझे इसके साथ अचार भी चाहिए, आपने कहा अचार दाल चावल का क्या करूं, मुझे तो चांद भी चाहिए, चांद का मैं क्या करूं, मुझे तो मंगल ग्रह भी चाहिए, मंगल ग्रह का क्या करूं, मुझे तो कायनात भी चाहिए। आयुष्मान दे दिया आपने 5 लाख का, मैं क्या करूं, मुझे आप 50 लाख का आयुष्मान दे दीजिए। भाईजान ना शुक्री अल्लाह को ना पसंद है। जब मरीज मर जाएगा तो आयुष्मान किस, आयुष्मान आयुष्मान ने कितनों की मदद की है, मदद किस किस की, मैं पूछ लेती हूँ। आयुष्मान आयुष्मान हमने लिए मदद आयुष्मान से, हमारी बीबी का ऑपरेशन हुआ था, आयुष्मान यूज आया था, पूरा इलाज करवाया, दवा ववा सब फ्री मिली है आयुष्मान से। कुछ लोगों को फायदा हुआ है, अरे कुछ आपको ही नहीं हुआ, लोगों को फायदा हुआ है, पूरे भारत में कितने लोगों ने फायदा उठाया आयुष्मान इलाज हुआ था, आयुष्मान से इलाज हुआ है, पीपुल अस्पताल में हमारे इलाज आयुष्मान से हुआ है। ये गलत गलत गलत, अगर ये कांग्रेस के तो ये गलत, अरे एक सेकंड सुनिए भाईजान, अगर ये कांग्रेस के लोग हैं तो आप बीजेपी के लोग हैं, लोकतंत्र में तो दोनों होने जरूरी है। मेरा मतलब ये था कि आप सुनिए, आप भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद आलम है, कांग्रेस। जमशेद भाई सच में आपकी बीवी का इलाज आयुष्मान कार्ड? गलत बात है, आप जांच करा लीजिए अगर आयुष्मान में इलाज हुआ होगा। आपका कार्ड है? हाँ मेरा कार्ड है, लेकिन आपका कार्ड है, आरोप गलत लग रहा है। ओ सीएम सीएम गलत आरोप लगा रहे हैं, सीएम के यहाँ से भी सहायता मिली इनको, अगर आप जांच करा लीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आयुष्मान के सारे रिकॉर्ड है इनके पास, क्योंकि एमपी ऑनलाइन की खुद ही इनके बेटे की शॉप है, सबसे ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं, सबसे ज्यादा आयुष्मान बनाने वाले इनकी दुकान से बनाए जाते हैं। सवाल ये है, आयुष्मान तो पूरे देश में हर एमपी ऑनलाइन, अब रुक जाए, अब हर एमपी ऑनलाइन पर ये सरकार तो दे रही है, ये लेकिन सवाल ये है कि जांच जो है, प्राथमिक जांच जो है, वो प्राथमिक जांच में नहीं होता। मैडम आज की तारीख में भारत सरकार की आज की तारीख में भारत सरकार की योजनाओं का जितना लाभ मुसलमान ले रहा है, उतना लाभ कोई दूसरे लोग ले ही नहीं पा रहे। जितनी भी सरकार की फ्री की योजना है ना, सबसे माइक नहीं था, वापस बोलिए। मैडम बेरोजगारी पे क्यों बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे क्यों बात नहीं करते? मैडम ये बताइए आप मुझे कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है सबका साथ और सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास कैसा है कि आप आने वाले 5 सालों में फिर अनाज फ्री दे रहे हैं, तो ये विकास कहाँ हुआ? तो नहीं देना चाहिए मैडम, ये आप कह रहे हैं ना, आप बढ़ा रहे हैं, आप नहीं देना चाहिए, अनाज दीजिए, अनाज आज 35 किलो कांग्रेस देती थी, आप 5 किलो दे रहे हैं। गरीबों को जो लाइए, 80,000 गरीब, 80 लाख गरीब, 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए? 10 साल में कहाँ से आ गए? आप बताइए, कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, कांग्रेस तो बहुत आगे लेके गई। कांग्रेस आप कह रहे हैं बहुत आगे लेकर गई, लेकिन लेकिन बीजेपी आते ये पीछे। सवाल, रोजगार नहीं मिलता था बीजेपी की, जब से सरकार आई है तो रोजगार। अरे भाई बहुत बड़ी बात कह रही हो, सुनिए मेरे दोनों किडनी में स्टोन है, एक सेकंड। अरे भाई आप पहले बोलते हैं कि जनता के लिए क्या किया उस पर बात करो, फिर मैं आयुष्मान की बात करने लगती हूँ तो आप कहते हैं महंगाई की बात करो, फिर मैं महंगाई की बात करती हूँ तो आप कहते हो बेरोजगारी की बात करो। अरे एक एक करके नहीं, अभी 400 का सिलेंडर में वापस आ जाऊंगी, अब मैं इनसे बात कर लूँ एक बार। हाँ अब मैं बात कर लूँ, मैं सायरा खान बोल रही हूँ, मेरे किडनी में दोनों में स्टोन है। आप इनको सुनिए, किडनी सुनिए, मेरी कमर का गुड़िया खराब, भोपाल दिन से इलाज हुआ, मेरे कमर में दोनों स्टोन है गुर्दे में, पर मेरा आयुष्मान से इलाज हुआ 1.5 लाख रुपए का, मुझे कोई परेशानी। गैस पीड़ित से क्या मतलब, परमिट भी है, हमारे बच्चों को पढ़ाई भी करी, लाभ भी मिल गया, हर चीज का नहीं, गैस से मतलब नहीं है। हमें तो मोदी जी लाभ दे रहे हैं, हम सच बोलना, हमारा इलाज चल रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में, लोग कहते हैं प्राइवेट में नहीं चलता, हमारा चलता है, हम जाते हैं इलाज करवा रहे हमारा, पर ये लोग सब मुद्दे से भटका देते हैं। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आयुष्मान से इलाज होगा। हाँ। पहले 10 जहाँ भी चलिए, पहले 10,000 जमा करो, फिर आयुष्मान से इलाज होगा। हुआ था आयुष्मान से, लेकिन पहले जमा करा प्राइवेट में, ये इसमें कौन सा आयुष्मान हॉस्पिटल में। हाँ। तो पहले पैसा जमा करा, बाद में इलाज चालू हुआ, फिर 2-3 दिन के बाद चला उन लोगों ने, 5 दिन एडमिट रहे मेरे में, पहले मैंने 10 आयुष्मान आयुष्मान ज्यादा काम नहीं आया। आप तो कह रही हैं आपको 10,000 के अलावा कोई पैसा नहीं, जांचों के लगे ना, जांच के लगे, उसके बाद जो ज्यादा पैसा था वो आप कह रही हैं कि वो भी नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। हाँ हाँ अच्छा, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था तो आयुष्मान कार्ड से मैंने ऑपरेशन करवाया और वो अच्छी हो गई। आयुष्मान कार्ड से आपने ऑपरेशन करवाया? जी हाँ मम्मी का। अच्छा, आप में से कितनों को राशन मिलता है यहाँ पर, राशन लेने वाली? राशन मिलता है 5 किलो, एक महीने एक इंसान कैसे खाएगा ये बताओ बेटा। पहले 25 किलो गेहूँ मिलता था, 10 किलो चावल, 4 किलो शक्कर, 5 लीटर तेल मिलता था, गुजारा होता था बेटा। आज 5 किलो एक इंसान में कैसे गुजारा हो रही है? अच्छा ये बोल रही है कि पहले 25 किलो गेहूँ मिलते थे, पहले 35 किलो गेहूँ मिला करते थे, चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी, अब ये नहीं। 25 किलो गेहूं कभी मिला करता था, वो कह रही है कि अब नहीं मिलता। देखिए उनका कहना है पहले शक्कर मिला करती थी, तो पूछिए उनसे 13 रुपए किलो भी लिए जाते थे 13 रुपए, लेकिन आज के दौर में उनको बढ़ा के गल्ला दिया जा रहा है। पहले 2 किलो गल्ला दिया जाता था, आज 5 किलो गल्ला दिया जा रहा है एक व्यक्ति के ऊपर। और दूसरी बात ये है 25 किलो गेहूं नहीं 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 गलत बात है मैडम, मेरा अभी नहीं मिला 25 किलो। सुनिए एक और चीज मैम, एक और चीज है ये कह रहे 25 किलो गेहूं कौन दे रहा था आपको? 25 किलो गेहूं किसने दिया? अरे तेल भी हर चीज मिलती थी। अरे पर 25 किलो गेहूं आपको कहाँ मिल रहा था, मुझे भी ले चलिए। अरे तो अब जब मिल लिया था आज नहीं मिल लिया, कहाँ मिल रहा था? अरे कांग्रेस 25 किलो गेहूं दिया करती थी, हैं? 25 किलो गेहूं दिया करते थे आप, कह रहे 25 किलो गेहूं दिया करते थे आप। हमारी सरकार थी तो अब जब हम केंद्र में हमारी सरकार सोनिया, तो मतलब उस हिसाब से आप, था ये। तो उस हिसाब से जो कह रहे हैं आपके इतना राशन देना पड़ा है तो गरीबी भयंकर है। तो इस बार तो आप ये कह रहे हैं भोपाल में कांग्रेस आनी है, बिल्कुल कांग्रेस आना चाहिए हिंदुस्तान में, जमानत बचा लिए भोपाल में इस बार कांग्रेस वाली। हाँ सपना है सिर्फ कुछ नहीं है, आएंगे तो मोदी जी मैडम यहाँ यहाँ। अरे हाँ भाई मोदी, इतना मोदी मोदी से प्रेम, मोदी से प्रेम है क्यों? मोदी जी की योजनाएं इतनी है। आपको कौन सी योजना मिली? हर योजना, लोन की योजना और राशन कार्ड की, कितनी योजना है मोदी बताते बताते थवे कम पड़ जाएगा, इतनी योजना है मोदी जी की। योजनाओं के लिए क्यों उनका आभार व्यक्त किया जाए, किसके पैसे से वो योजनाएं चल रही है? क्या अपने घरों से पैसे लाए नेता? हमारे ही टैक्स के पैसे, जो मिडिल क्लास, जो हम लोग अपना टैक्स कटवाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, दुनिया के टैक्स देते हैं, उन्हीं पैसों से ये योजनाएं चल रहा है। हम किस लिए इनका शुक्रिया अदा करेंगे? इस बात का शुक्रिया अदा करें भाई, टैक्स लेकर ही तो ये योजनाएं दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुन रहे हैं आप, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बात कहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसता हमारा। ये जो विरोध हो रहा है कि मुसलमान मोदी की सपोर्ट क्यों नहीं करता, मोदी की सपोर्ट करता है और जितनी योजनाएं चल रही हैं सभी को मिल रही हैं, हिंदू को भी मिल रही हैं, मुसलमान को भी मिल रही हैं, सभी को मिल रही हैं, सबका इसका फायदा उठा रहे हैं। पर अभी जो मोदी के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, मोदी के इर्द गिर्द 100-150 किलोमीटर दूर उनके बराबर कोई भी विपक्ष में कोई नेता नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लायक। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी नहीं, नहीं है, अखिलेश यादव इतनी काबिलियत नहीं है मोदी जी। ममता बनर्जी 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, ये बात सच है। अब मुसलमान क्यों चढ़ जाता है, कुछ बयानों से चढ़ जाता है बस और कुछ नहीं। तो मोदी जी जो थोड़ा सा ऐसे बयान दे देते हैं बस उस वजह से चढ़ जाता है। मेरी उनसे बस गुजारिश है कि कुछ इस तरीके के बयान ना दें जिससे कि मुसलमान। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि बस वो जो कुछ बयानात आ जाते हैं उससे, आप इजाजत दे तो बैठ जाऊं मैं यहाँ पर। नहीं आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। क्या नाम है आपका? सही है सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब चश्मा तो बड़ा गजब का लग रहा है, बता लेता हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इस चश्मे से आपको भविष्य दिखता है? नहीं इसमें हमारे वो खूबसूरत नजारा दिखता है जो मोदी जी ने बनाया हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हैं जी। और मोदी है तो मुमकिन है, और आपकी बात पूरी लगा देंगे, ताकत लाएंगे 400 पार महीने में शुरू करें। अब मैं आखिरी कुछ मिनट मेरे बचते हैं, मैं चाहती हूँ जो सब फटाफट से, नहीं आप अपनी कुर्सियों पे ही रहे, आप अपनी कुर्सियों पे ही रहे, मैं फटाफट से आप सबके पास आऊंगी, अपने दिल की बात 10-10 सेकंड में कह दीजिएगा, ठीक है? मैं शुरुआत कर रही हूँ आपसे, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, आपके मन में जो बात है वो फटाफट से कह दीजिएगा, कोई बात जो आप कहना चाहती हैं। देखिए योजना तो बहुत सारी लाई है मोदी गवर्नमेंट और उसका आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन दिक्कत बस ये है जो नीचे लोग हैं वो उस योजना को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे। ओके आपको क्या कहना है?
क्या बोलूं, इतनी बेसे चल रही है, इतना अच्छा विकास हो रही है, इतना अच्छा सब काम हो रही है, इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। पहले कितनी कम कमाइयां रहती थी, अब कमाइयां हैं तो उसके हिसाब से महंगाई है, महंगाई भी होना कमाई है तो महंगाई है। यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। पहले कितनी कम कमाई होती थी।